चलिए अब इसकी स्क्रीन तो नजर आ रही है ना सबको, क्लियर लिटरली एंड इन ऑर्डर लिखकर। अच्छा, लिटिल इंडियन ऑर्डर जो है वो एक तरह से तरीके का है कि जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, वो किस तरीके से जो है ना वो बाइट्स को स्टोर करता है। अभी चूंकि हम इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हो, तो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो लिटिल एंडियन ऑर्डर यूज करता है बाइट्स को स्टोर करने के लिए, लिटिल एंडियन ऑर्डर यूज करता है। अच्छा, लिटिल एंडियन ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑल डेटा टाइप्स लार्जर देन अ बाइट स्टोर देयर इंडिविजुअल बाइट्स इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर के अंदर बाइट सेव होते हैं, ठीक है ना, बाइट जो है वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर सेव होते हैं लिटिल एंडियन ऑर्डर के अंदर। द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट अकर्स एट द फर्स्ट लोएस्ट मेमोरी एड्रेस, ठीक है, एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। अब यहाँ जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है वो सबसे छोटे मेमोरी एड्रेस के ऊपर, लोअर मेमोरी एड्रेस के ऊपर सेव होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें, ये लिखा हुआ है वेल वन डी वन, ये डी वन टाइप का वेरिएबल है वेल वन, और इसमें हम स्टोर करा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हेक्सा वैल्यू जो है रेडिक्स ये बता रहा है कि हेक्सा है। तो अब इसके अंदर जो है ना वो जो सेव करेगा मेमोरी में, ये मेमोरी को दिखाया गया, रैम को दिखाया गया यहाँ पे, और इसके अंदर ये बाइट्स मतलब रैम की लोकेशन बताई है, 0 बाइट 1 बाइट 2 बाइट 3, ये मेमोरी एड्रेसेस हैं रैम के। तो सबसे पहले जो है जीरो जीरो एड्रेस के ऊपर, रैम के जीरो एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू रखिएगा, तो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जो होगी, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट का मतलब है सबसे जो पहली बाइट जो आपकी राइट साइड से होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होगी, तो 7 8, ये 7 8 मिला के एक बाइट बनेगा, क्योंकि रेडिक्स ये बता रहा है कि हेक्सा है, ठीक है, तो 7 8 दो डिजिट मिला के एक बाइट बनेगा। तो आपने 7 8 को रख दिया जीरो पे, जीरो एड्रेस पे। फिर अगला कौन सा बाइट है, 5 6, 5 6 को आपने उठा के रख, ये जो 5 6 जो है कहाँ रख देगा उसको, 1 एड्रेस पे अगले बाइट पे। फिर अगला बाइट है 3 4, इसको वो एड्रेस 2 पे रैम में रख दिया जाएगा, और अगला बाइट है 1 2, ये एड्रेस 3 के ऊपर, रैम के एड्रेस 3 के ऊपर ये 1 2 रख दिया जाएगा। तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है वो बाइट्स को रख दिया जाएगा। तो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 थी, लेकिन सबसे पहले 7 8 स्टोर होगा, फिर 5 6 स्टोर होगा रैम में, फिर 3 4 स्टोर होगा, फिर 1 2 स्टोर होगा। लेकिन जब उसको पढ़ा जाएगा तो फिर दोबारा से उसको रिवर्स कर दिया जाएगा, तो इसी इसी फॉर्म में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि जब वो दोबारा कहीं भी इस्तेमाल करोगे तो वो उसको दोबारा से रिवर्स कर देता है। तो जाहिर है दोबारा रिवर्स होगा तो फिर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन जब वो रखता है मेमोरी के अंदर तो वो रिवर्स ऑर्डर में रखता है। ये इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर की बता रहा हूँ मैं आपको। मोटोरोला का जो माइक्रो प्रोसेसर है, मोटोरोला का वो बाइट्स को सेव करता है बिग एंडियन ऑर्डर में। बिग एंडियन ऑर्डर दो ऑर्डर होते हैं, एक लिटिल एंडियन, एक होता है बिग एंडियन, दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं। तो बिग एंडियन ऑर्डर में क्या होता है, जैसे जो अभी आपको बताया मोटोरोला का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बिग एंडियन ऑर्डर में जो है ना वो सेव करता है। बिग एंडियन का मतलब है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है उसको पहले रखेगा, तो पहले 1 2 को रखेगा जीरो पे, जीरो एड्रेस पे, फिर 3 4 को रखेगा 1 एड्रेस पे, फिर 5 6 को रखेगा 2 एड्रेस पे, और फिर 7 8 को रखेगा 3 एड्रेस पे। तो वो जो है ना मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट जो स्ट्रेटेजी होती है वो बिग एंडियन ऑर्डर कहलाती है, और ये मोटोरोला का जो प्रोसेसर है वो इस स्ट्रेटेजी को यूज करता है। तो ये डिफर करता है, हर हर जो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है वो अपने हिसाब से जो है वो चूज करती है कि उनको बाइट में कैसे सेव करना है। हम चूंकि इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, तो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर लिटिल एंडियन ऑर्डर के अंदर जो है चीजों को सेव कर रहा होता है। कोई क्वेश्चन इस स्लाइड में बात समझ में नहीं आई हो पूछे।
क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइएगा, प्रोजेक्ट लिस्ट के बारे में भी पूछना था आप लोगों से। तो प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर जो है, किन किन लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट लिए हैं, कौन कौन रह गया है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। एक क्योंकि मैंने आपसे कहा था, आज तक की मैंने डेट दी थी ना आपको कि आज तक के आपने सारे प्रोजेक्ट ले लेने। कौन का प्रोजेक्ट यूज किया? अब इसमें देखो ये कमेंट्स आए हुए हैं, शागिल ने लिया है और आयशा शाहिद ने लिया है, गेम ऑफ नेम शायर ने लिया टिक टेक टो, टू प्लेयर्स का, ठीक है। लेकिन टिक टेक टो जो है ना, उसमें आप देख लेना उसमें मैंने क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में, ये सब मुझसे एक बार जरूर पूछ लेना करना क्या है। खैर जब प्रोजेक्ट लिस्ट बन जाएगी फिर मैं बता दूंगा। अच्छा ये स्लॉट मशीन गेम, स्लॉट मशीन गेम तो मेरे ख्याल में ये मैंने रिप्लाई कर दिया है इसमें, ये प्रोजेक्ट लिस्ट में नहीं है। ये दूसरा प्रोजेक्ट आप ले सकते हैं जो लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप बता देंगे, आप अलीना क्या बता देंगे कि आपको जो है वो क्या बनाना है, तो मुझे व्हाट्सएप पे या वैसे भी कॉन्टेक्ट करके बता सकते हैं। सर हमने उनको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था, फिर आपने हाँ कह दी थी कि ठीक है, फिर मैं फिर जो पूरा सब्जेक्ट होगा वो आपको असेंबली लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा, सर आपने हाँ कह दी अच्छा अच्छा व्हाट्सएप अच्छा पे। हाँ हाँ कह दिए मैंने, ठीक है ठीक है, ये वो वाली चीज़ है, सही है, समझ गया। तो ये आप, मैंने आपसे कहा था ना पोस्ट कर दो, यहाँ पोस्ट में कर दो ये, मतलब कि चल मैं रिप्लाई कर देता हूँ ताकि भी याद रहे अप्रूव्ड, आपका अप्रूव्ड है। और बस यही तीन लोगों ने लिए, सब लोग पूरे हो गए क्या? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, नौ लोगों ने लिया अभी तक, आधी क्लास ने तो प्रोजेक्ट लिया ही नहीं है। हाँ ठीक है लीना, आपने कर दिया था व्हाट्सएप पे, मुझे याद आ गया। अच्छा ये मैं कह रहा हूँ आधे लोगों ने लिया है, आधे लोगों ने तो लिया ही नहीं है, नौ लोगों ने लिया है बस। तो ये वो है सीआर है सब मौजूद, सीआर भी नहीं है। तो बहरहाल ये जो है ना, अब आप जिन लोग नौ लोगों ने ले लिया है, अभी आपके पास आज का दिन है, ठीक है आज का दिन है, तो मैं कल फिर सीआर से कह दूंगा फोन करके के जो है आप लोग जो इन्हें लिस्ट अपडेट करके लगा दे, ठीक है। तो आज का दिन आपके पास है, आप प्रोजेक्ट लिस्ट में से कोई भी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके ग्रुप मेंबर्स के नाम लिख के यहाँ पर लगा दें जो लोग रह गए हैं, ठीक है ना। तो तकरीबन आपकी आधी क्लास रह गई है अभी, नौ लोग बाकी हैं, 18 की मेरे ख्याल में स्ट्रेंथ है, नौ लोगों ने अभी तक अपना प्रोजेक्ट लिस्ट में नाम यहाँ पर मेंशन किया है और उनको ये प्रोजेक्ट मिल गए हैं, ठीक है इनको मिल गए। इसके अलावा लेंगे आप लोग, ठीक है, टिक टेक टो, गेम ऑफ नेम, स्लॉट मशीन गेम, इन्होंने अपना तजवीज किया था तो उनको मिल गया। तो इनके अलावा जो आपको चाहिए होगा वो आप लेंगे, ये असाइंड होगा। और आज का दिन है आप लोगों के पास, कल मैं जो है ना फाइनलाइज कर दूंगा मैं इसको। जो लोग रह जाएंगे फिर जो है ना उनका आगे नाम फिर शायद मुश्किल होगा जाना, क्योंकि प्रोजेक्ट लिस्ट फॉर्म से मांगेंगे तो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, इन लोगों को प्रोजेक्ट मिल गया तो ये। अच्छा ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल में, तो फिर ब्रेक के बाद जो है फिर 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास।